मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है ना, उनको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है, मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप वन ऑन वन भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्यूनली वॉन्ट कि आप अच्छा करो। तो वो समो, मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं 1 महीना बैट नहीं छूऊँगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई जहाँ पे ब्रेक लेना मेरे लिए ज़रूरी था, मोर मेंटली देन फिजिकली। और फिर आप रियलाइज़ करते हैं जब आप दोबारा बैटिंग करते हैं 1 महीने के बाद कि आपने क्यों खेलना शुरू किया था। तो आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं खो जाती है आप अपनी आइडेंटिटी में, या आपको लोग जैसे देखते हैं, आप ग्राउंड पे आते हैं सब आपका नाम चिल्ला रहे हैं, तो इसमें खो जाना बहुत आसान है। और गेम के लिए जो एक लगाव होता है, जो एक प्योरिटी होती है, वाई आपने गेम खेलना शुरू क्यों किया, वो जॉय चला जाता है कहीं ना कहीं। तो वो मेरे लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं अपने स्पेस में खुश होता हूँ तो मुझे पता है मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूँ, और मेरा एक ख़राब स्पेस में होना ना तो टीम के लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। तो आई थिंक किसी को भी इस चीज़ से हटना नहीं चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। अगर किसी को नेगेटिव फील हो रहा है या आप डाउन फील कर रहे हैं, तो ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है। और आई होप कि लोगों को इससे स्ट्रेंथ मिले, और वो भी अपने जो भी फीलिंग्स हैं उसको एड्रेस कर पाएँ, कि हम सब ह्यूमन हैं, हमारे साथ सबके साथ ऐसी फीलिंग हो सकती है, लेकिन उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना, उसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप इग्नोर करेंगे तो आप और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी जो जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अब मैं आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, और मुझे मज़ा आ रहा है दोबारा क्रिकेट खेलने में, जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी फ्रॉम डे 1।